पिछले कुछ समय से संकट में फंसी एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट काफी सुर्खियों में है। गो फर्स्ट की फ्लाइटें रद्द हैं और इस वक्त कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। वहीं इस बीच लगातार देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइन के साथ इसके मर्जर की अफवाहें उठ रही थी। अब इन खबरों पर इंडिगो की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। क्या कहा इंडिगो ने, क्या वाकई गो फर्स्ट से विलय करेगी इंडिगो, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। संकट से जूझ रही देश की अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन गो फर्स्ट में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने की खबरों पर इंडिगो एयरलाइंस ने प्रतिक्रिया दी है। एयरलाइन ने कर्ज में डूबे वाडिया ग्रुप समर्थित गो फर्स्ट के साथ मर्जर की खबरों की न तो पुष्टि की है और न ही खंडन किया है। एयरलाइन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो बाजार में चल रही अटकलों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। एयरलाइन ने कहा कि इंडिगो बाजार की अटकलों पर टिप्पणी नहीं करता है और अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर फोकस करता है। दरअसल बीते कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि इंडिगो कर्ज में डूबी दिवालिया एयरलाइन गो फर्स्ट के अधिकांश शेयर खरीद सकती है। गो फर्स्ट का इंडिगो में विलय हो सकता है, क्योंकि इंडिगो ने ना तो इस अफवाहों को विराम लगाया है ना ही कोई स्पष्ट जानकारी दी है। बता दें, भारी कर्ज के बोझ तले दबी एयरलाइन गो फर्स्ट ने 3 मई को अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था। विमान कंपनी की सर्विस को 12 जून तक के लिए बंद किया गया है। कंपनी ने अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड विटनी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इंजन सप्लाई में देरी के कारण उनकी आधे से अधिक विमान ग्राउंडेड रही है। इंडिगो के पास भी लगभग 37 हवाई जहाज है जो PNW इंजन की समस्या के कारण ग्राउंडेड है। कंपनी वर्तमान में सरकार के साथ अपने टर्न अराउंड प्लान को लेकर बातचीत कर रही है। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही गो फर्स्ट एयरलाइन की मुसीबतें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। NCLT ने गो फर्स्ट पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। नोटिस में कहा गया है कि इंसॉल्वेंसी के नाम पर एयरलाइन ने धोखाधड़ी की है। इन आरोपों को लेकर NCLT ने एयरलाइन से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। डिलीवरी ने अपनी शिकायत में कहा कि 2 मई को गो फर्स्ट एयरलाइन ने 57 लाख रुपए उधार लिए थे। एयरलाइन ने फ्यूचर सर्विसेज के नाम पर ये उधार लिया, लेकिन उन्होंने दिवालिया प्रक्रिया के लिए याचिका डाल दी। कंपनी पहले से मन बना चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने उधार लिया। अब इस मामले में गो फर्स्ट से जवाब मांगा गया है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।